सविता नायक। आज मैं मटन की रेसिपी बना रही हूँ और आप लोग को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं मटन बनाने जा रही हूँ और आप लोग को कैसा देखिए कैसा लगेगा मटन बनाने का है। तो मैं देहाती टाइप का मटन बनाती हूँ और आप लोग मेरा ब्लॉग्स में बने रहे दोस्तों और देखिए आप लोग मेरा वीडियो किस तरह से मैं मटन बना रही हूँ। देखिए मैं मटन के लिए पहले इतना मसाला तैयार करने जा रही हूँ दोस्तों। देखिए ये प्याज है, प्याज को पीस के ही डालूँगी, मिक्सी में मसाला पीसती हूँ। देखिए मैंने प्याज इतना सा काट लिया है और प्याज हो गया दोस्तों। और ये अदरक है, ये देखिए अदरक, अदरक को भी धो लेती हूँ और हरी मिर्च को भी। देखिए सारी चीज़ को धो ही लेती हूँ, इतना सारा धो लेती हूँ। थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊंगी, तीखा। देखिए और ये देखिए अदरक इतना सा काट लेंगी, मिक्सी में डालूंगी, सब पीसूंगी एक ही बार में। और ये वाला दोस्तों ये गरम मसाला है साबुत वाला, देखिए इसको भी डाल देती हूँ। और ये वाला काली मिर्च है, गोलकी जीरा इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए मैं इसी तरह से मटन बनाती हूँ दोस्तों। लहसुन को भी धो लेती हूँ। इसको मैं मिक्सर में पीसूंगी और ये प्याज है जो मैं मटन में डालूंगी इसको भी धो देंगी, इसको भी धोऊंगी। मैं आप लोग से मसाला पीसने के बाद मिलती हूँ। चलिए पहले मसाला पीस लेते हैं क्योंकि लाइट अभी आया हुआ कट जाएगा। देखिए दोस्तों मेरा मसाला पीस गया है और देखिए मैं किस तरह से दिखा रही हूँ। मिक्सी तो ये इस तरह है, ये देखिए मसाला पीस गया मेरा। और ये देखिए प्याज मैं काटती थी आधा और अभी काट रही हूँ क्योंकि प्याज में बहुत झांस होता है ना, तो मैं पानी देके ही काटती हूँ। देखिए दोस्तों इस तरह से काटती हूँ प्याज को। देखिए देखिए दोस्तों मैं प्याज काट रही हूँ, प्याज काटने के बाद आप लोग से मिलती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आप लोग को मटन रेसिपी। दोस्तों मैं प्याज काट ली हूँ, अब डालने जा रही हूँ तेल में, कुकर में बना रही हूँ मटन। ये देखिए तेज पत्ता भी डाल दी हूँ, इतना सारा प्याज डाली हूँ। देखिए इतना सारा मटन है, देखिए इस तरह से है। बड़ा बड़ा पीस है, इसको लगता है छोटा करना पड़ेगा। देखिए कितना बड़ा बड़ा पीस दे दिया है। जा रही हूँ मटन को मैं धुलने के लिए दोस्तों, फिर आप लोग को दिखाती हूँ मटन। दोस्तों मेरा मटन भी धुल चुका है और मेरा प्याज भी तब तक पूरा अच्छा से भुना गया है। देखिए कितना अच्छा से भुनाया है दोस्तों, मैं हीटर पे बना रही हूँ। अब मैं मटन को इसमें डालूंगी प्याज में। देखिए मैं मटन को इसमें डाल रही हूँ। देखिए दोस्तों उसमें डाल दें और इसको एक बार चला देते हैं। इसको चला रही हूँ, देखिए मटन को किस तरह से इसको चला के और मैं छोड़ देती हूँ दोस्तों। तब तक इसमें नमक डाल दी थी प्याज में, अब देखिए इसको ढक देती हूँ, बाद में हल्दी डालूंगी, बंद कर देती हूँ। चलिए दोस्तों अब फिर मिलते हैं मटन भुनाने के बाद,
हल्दी और मसाला डालूंगी तो आप लोग को दिखाती हूँ। दोस्तों मैं हल्दी डाल रही हूँ, हल्दी डालूंगी तो पानी जल्दी सोखेगा मटन का, मैं इतना ही डालती हूँ। देखिए इसको मैं थोड़ा चला देती हूँ। अच्छा से चला देती हूँ क्योंकि इसका पानी सोख जाएगा। दोस्तों इसको अच्छा से ढक देती हूँ। चलिए दोस्तों मैं बर्तन धुल लेती हूँ, दो चार बर्तन है, बर्तन को धुल लेती हूँ, उसके बाद मसाला डालूंगी। मटन देखिए कितना अच्छा से फ्राई हो गया। देखिए मैं इसमें मसाला डाल देती हूँ। देखिए मसाला यहाँ पे रखी, देखिए दोस्तों मैं मसाला डाल दूँ, पूरा डाल दूँ। देखिए मैंने मसाला डाल दिए दोस्तों, इसको फ्राई होने के बाद 10 मिनट तक छोड़ देंगे, उसके बाद पानी डालूंगी इसमें। ये देखिए कितना अच्छा, एकदम प्याज भून के मटन भून के तैयार हो गया। मसाला बस 10 मिनट भूनूंगी फिर मैं मटन में पानी डालूंगी। चिकन मसाला थोड़ा सा डालूंगी इसमें, ज्यादा नहीं है बस थोड़ा ही सा है, देखिए डाल दे रही हूँ, थोड़ा ही डालना चाहिए, बच्चा लोग बोलते हैं अच्छा लगता है इसलिए। इसको चला दे रही हूँ, देखिए कितना अच्छा, मैं पानी डाल दी थी सीज गया पूरा मटन मेरा, इस तरह से सीझा हुआ है। देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ, कड़ी बनाई हूँ मटन का, बच्चा लोग थोड़ा खाते हैं। अब देखिए मैं धनिया डाल रही हूँ दोस्तों, धनिया धो के और काट के रखी थी। ये धनिया मैंने डाल दिया दोस्तों, चलिए आप लोग को परोस के दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों मैंने मटन बना लिए हैं, मटन और चावल। देखिए आप लोग को मेरा रेसिपी कैसा लगा बताइएगा दोस्तों कमेंट में, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब फैमिली, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों। फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।